फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हम 8.1, 8.2 कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं राशियों की तुलना, मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो कंपेयरिंग में हमने पहले ही हमने जब बताया था कंपेयरिंग का मतलब तुलना करना होता है, तो हमने पहले बात करी थी रेशो की, ठीक है, कि रेशो क्या होता है। अब रेशो का मतलब होता है अनुपात हिंदी में, और इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि उसमें कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं दो वैल्यू, क्या कर रहे हैं दो वैल्यू में कंपैरिजन कर रहे हैं। अब कंपैरिजन के बाद एक हम बात करते हैं परसेंटेज, जो हमने 8.2 में कल करी थी। तो जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज हमारा 100 का आता है, ठीक है, क्योंकि 100 से ही हम परसेंटेज निकालते हैं हर किसी की। तो जब हम रेशो में बात करें, रेशो की परसेंटेज निकालें तो कैसे करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया 2:5, तो क्या करेंगे 2 और 5 दोनों को हम कर देंगे प्लस, कितना आया हमारे पास 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2/7 लिखेंगे इनटू में 100, तो आएगा 200/7 परसेंटेज, और यहाँ पे करेंगे 5/7 और इनटू में 100, ठीक है, तो ये आएगा 507 परसेंटेज, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 4:5 है, ठीक है, 4:5, तो करेंगे क्या 4 और 5 को प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 9। अब हम परसेंटेज किससे निकालेंगे, 4:9 और 5:9, इन दोनों की किससे निकालेंगे, 100 से परसेंटेज, ठीक है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन 8.3 में करने को मिलेंगे। अब जो प्रतिशत है वो हमारा 100 से होता है हमेशा, ठीक है, परसेंटेज कितने का होता है हमेशा हमारा 100 का, ठीक है। तो इसमें हम कुछ जो वर्ड आएंगे हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, उसको हम सिंबल लिखेंगे सीपी। अब सीपी का मतलब होता है खरीदना, याद रखना, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे मैंने दुकान पे गई, मैंने 10 रुपये का एक पेन लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, मतलब सीपी क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 10 रुपये, ठीक है। और बेचना, जैसे मेरे पास पेन था, मैंने किसी को वो पेन 10 का लेके आई थी, 15 का बेच दिया, ठीक है, तो वो हो गया मेरा विक्रय मूल्य। क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य, वी से याद रखना बेचना, ठीक है, आपको याद, अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो हिंदी वाले बच्चों को, तो क्रय का मतलब होता है कि हमने खरीदा, वी से याद रखना विक्रय, विक्रय मतलब बेचना, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब इसे हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला मैंने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, तो सीपी मेरा कितना है 10 है, और मैंने उसको बेच दिया, मतलब एसपी कितना हो गया मेरा 20 रुपये में, कितने में बेच दिया 20 रुपये में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैं 10 रुपये की चीज़ लेकर आई थी, मैंने कितने में बेची 20 रुपये में, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मेरा एसपी बड़ा हो सीपी से, मतलब सीपी छोटा हो एसपी बड़ा आ रहा हो, तो हमें प्रॉफिट होता है उस केस में, क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे प्रॉफिट, कि 20 में से 10 माइनस करेंगे, जैसे एसपी में से सीपी क्या कर देंगे माइनस, तो वो निकलता हमारा प्रॉफिट। अभी सिर्फ प्रॉफिट निकल रहा है, अभी हम बात करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जब सीपी एसपी के बराबर हो तो ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है, ना तो हमें लाभ होता है ना ही हमें हानि होती है, मतलब 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 10 में ही बेच दी। और बात करते हैं हम हानि, मतलब लॉस। अब लॉस क्या हो रहा है हमें, जैसे मैंने कोई चीज़ 10 की खरीदी और 7 की बेच दी, तो अब बड़ा क्या है हमारा सीपी, तो जब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो तो हमें उस केस में क्या होता है लॉस, निकालते कैसे सीपी माइनस एसपी, ठीक है। आप देख लेते हैं, जैसे एक पुस्तक की 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में हमने क्या कर दिया बेच दिया, तो सीपी हमारे पास 100 है और एसपी हमारे पास क्या है 120, कितना है 120, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या करा, सीपी ये सीपी है और ये क्या है एसपी, एसपी बड़ा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, माइनस करा तो 20 का हमें क्या निकल गया लाभ। और इसी तरह हम इसका वाइस वर्सा करें, अगर उल्टा करें तो हमें लॉस निकलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है और लॉस परसेंटेज कैसे निकालनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालना तो आ गया, कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाल, लाभ कैसे निकालना है कि एसपी में से सीपी माइनस कर देना और इसमें से सीपी में से एसपी माइनस कर देना है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना है कि प्रॉफिट जितना भी दे रखे है हमेशा नीचे सीपी आएगा इनटू में 100, मतलब लाभ क्रय मूल्य और 100, ठीक है।
मतलब जितने भी हम कोई चीज़ खरीद लें, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट मतलब लॉस कितना आएगा सीपी और 100। ठीक है, इसको क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा लाभ हमारे पास कितना आया 20 और ख़रीदा कितने में था उसको 100 में, और कितने में हम परसेंटेज निकाल रहे थे 100 से 100 तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 20% का ही प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का 20। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन फिर आगे समझ और आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है हमारे पास, कई बार हमें क्या बोलते हैं कि सीपी निकालना होता है और एसपी निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे बोला कि मैंने दुकान से कोई सामान खरीदा, वो मुझे 5% प्रॉफिट पे हुआ और मैंने 2000 का उसका बेच दिया, तो मैंने ख़रीदा कितने में था। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस में प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस, और इंटू में एसपी। और अगर एसपी निकालना है तो 100 ऊपर चला जाएगा प्लस प्रॉफिट, और अगर माइनस हो रहा है तो लॉस, और अपॉन में 100 आ जाएगा, इसका उल्टा नीचे हो जाएगा। एक बार ध्यान रख लेना कि सीपी में से ये नीचे आ जाएगा और एसपी में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इंटू में सीपी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें यूज़ होंगे, एक बार इनको भी देख लेना है। अब देखो जैसे मैंने बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, जैसे हमें प्रॉफिट दे रखा है 20, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 80, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ 20% का और उसको मैंने ख़रीदा कितने में था 80 में, तो देख लेते हैं कितना परसेंटेज हुआ। तो हमने जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25%, कितना आएगा 25%। ठीक है, सेम ऐसी लॉस परसेंट है, लॉस कितना हुआ 30, ख़रीदा कितने का था 60, तो 30 अपॉन में 60 इंटू में 100, 0 0 3 1 3 3 2 2, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50%, कितना आएगा 50। ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो हमारे क्वेश्चन है आएंगे, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल, एक होता है हमारे पास अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है हमारे पास मूलधन। अब मूलधन का मतलब कि जैसे मैंने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, सपोज 1000 रुपये उधार लिए, तो जो 1000 है वो मेरा क्या है मूलधन है। ठीक है, और उस पर कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा, सपोज मैंने 50 रुपये उस पर ब्याज दिया एक महीने में। ठीक है, मतलब मैंने 1000 रुपये उधार लिया, उस पर 50 रुपये मैंने ब्याज दिया, तो हमारे पास ये ब्याज हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं वो क्या हो गया ब्याज। देन उसके बाद मिश्र धन या अमाउंट क्या होता है बच्चा, जब पी और आई को जोड़ दूँ, मतलब 1000 में मैं 50 रुपये उसको ऐड करके दूंगी तो कितना आ जाएगा 1050। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा मिश्र धन, क्या होगा उसका मिश्र धन। तो ये वर्डिंग थोड़ी याद रखनी है। और ठीक है, मूल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कई बार एक नंबर में पूछ लेते एग्जाम में, पी प्लस में आई मतलब मूलधन प्लस में ब्याज, और ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है साधारण ब्याज वो भी। ठीक है, कौन सा ब्याज है साधारण, पी आर टी अपॉन में 100, पी से मतलब मूलधन, आर से मतलब दर किस रेट पे हमने ले रहे हैं, टी से मतलब टाइम। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसको आप पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत ईजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.3 में। क्वेश्चन बोल रहा है पहला कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि और लाभ ज्ञात करो, प्रत्येक दशा में प्रतिशत या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात, मतलब हमें बताना है कि लेन देन में अगर हमें लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है और परसेंटेज क्या है लाभ की, अगर हानि हो रही है तो कितनी हानि हो रही है और उसकी प्रतिशत क्या है। ठीक है, जैसे टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द ईच केस, मतलब सेम हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों परसेंटेज निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बगीचे में काम आने वाली कैंची मतलब एक सीजर है वो कितने की है, 250 की है, कितने की हमारे पास 250 की है, मतलब उसको ख़रीदा हमने। ठीक है, और बेच कितने में दिया 325 में, अब देखो 250 में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 325 में बेच दिया तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो गार्डनिंग सीजर बॉट फॉर द 250 एंड सोल्ड फॉर द 325, तो सबसे पहले हमने उसको ख़रीदा कितने में, कैंची को 250 में, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास उसकी 250, कितने में 250 मतलब सीपी, सीधे अगर लैंग्वेज करें सीपी हमारे पास क्या है 250, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना कितने में बेची हमने 325 में, तो हमें देखो क्या हुआ एसपी बढ़ा है सीपी से तो हमें हो रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है पहले वो निकालें, 325 में से 250 माइनस कर देंगे आंसर क्या आएगा हमारा पास 75। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था प्रॉफिट इंटू सीपी अपॉन में इंटू में 100, तो प्रॉफिट कितना था 75 रुपये हो रहा है, सीपी मतलब हमने 250 में खरीदी थी इंटू में 100, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 30%, कितना आएगा 30%। ठीक है, 0 से 0 सॉल्व कर लिया, 5 2 10 5 5 25 25 को भाग करा 15 15 2 30,
ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 30%। नेक्स्ट अ रेफ्रिजरेटर इज अ 12,000 मतलब बॉट करा हमने कितने 12,000 में खरीदा एक रेफ्रिजरेटर और 13,500 में बेच दिया। देखो 12,000 में खरीदा 13,500 में बेच दिया, तो आपको सिर्फ सीपी और एसपी पता होना चाहिए इसमें। तो सीपी हमारे पास क्या है रेफ्रिजरेटर का 12,000 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 13,500। तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी बढ़ा है सीपी से और माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपये का। आप परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे 1,500 मैंने नीचे लिख दिया ऊपर लिख दिया, सीपी कितना था 12,000 ये भी लिख दिया, इनटू में 100 जीरो से जीरो काटा यहाँ से जीरो काटा, 12 को 150 से भाग कर हमारे पास आंसर आएगा 12.5%। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे पास प्रॉफिट। नेक्स्ट बोले एक अलमारी 2500 में खरीदी और 3,000 में बेच दी, मतलब एक कपबोर्ड ब्रॉड फॉर 2500 एंड सोल्ड इधर 3,000, मतलब 2500 में खरीदी और कितने बेचती है 3,000 में। तो इसमें भी ऑब्वियसली क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 2500 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 3,000, तो हमें ऑब्वियसली क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी तो कितना आ गया हमारे पास 500। सेम प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, प्रॉफिट कितना है 500, सीपी क्या हमारे पास 2500 इंटू में 100 क्या आएगा इंटू में 100, तो हमारे पास इसको हमने जब इसको कटिंग करी तो हमारे पास कितना है 200 कट गया, 25 को इसे डिवाइड करें कितना आएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो 20% क्या है हमारे पास उसका प्रॉफिट आ गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि अ स्कर्ट कि हमारे पास एक स्कर्ट है वो कितने की हमने ली है 2500 में खरीद कर 150 में बेच दी। अब देखो हमने कितने में खरीदी, हमने 250 में तो ली और कितने में बेची 150 रुपये में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है हमें नुकसान हो रहा है लेकिन हमें बताना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी स्कर्ट का 250 और हमने उसको बेचा कितने में 150, तो हमें क्या हुआ लॉस हुआ। तो सीपी बढ़ा है एसपी से, तो सी 250 में से 150 माइनस करेंगे 100, तो लॉस परसेंटेज क्या है हमारे पास 100, सीपी कितना हमारे पास 250 और इनटू में 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 40%। कितना आएगा 40%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे फ्रेंड्स कि पहले हमें बताना था कि लॉस और प्रॉफिट कितना है और उसके बाद उसका परसेंटेज भी बताना था कि वो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिए गए प्रत्येक अनुमान में दोनों पदों को प्रतिशत में निकलो। अब देखो हमें रेशियो दे रखा है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। तो हमें रेशियो है 3:1, तो सबसे पहले काम क्या है हम इनको ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं ऐड, 3 और 1 कितना आ गया हमारे पास 4, कितना आ गया 4। अब फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं, हमारे पास देखो 3 और 1 रेशो था तो 3 के नीचे भी 4 और 1 के नीचे भी 4 और बीच में हमारा रेशो का निशान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे 3/4 का फिर 1/4 का, और इन दोनों का जोड़ के ना हमें हमेशा 100 आना चाहिए। ठीक है, वो आपको चेक करने का भी तरीका हो जाएगा। तो देखो 3/4 इंटू में 100 रेशो 1/4 इंटू में 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 25 का 75% रेशो, जब इसको सॉल्व करेंगे 25, और देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 100%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो दोबारा देख लो, पहले इन दोनों को जोड़ना है 3 और 1 4, फिर 3 के नीचे भी 4 और 1 के नीचे भी 4। आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने एक ही में करा आप अलग को सॉल्व कर लो, जैसे 3/4 इंटू में 100 इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 25 25 3 75, और इसको सॉल्व करोगे 25, फिर इनको रेशो में लिख दो। ठीक है, अब एक दो वैल्यू के साथ ही नहीं, अगर हमें 3 या 4 वैल्यू का भी रेशो दे रखा है तो सेम हमें वही प्रोसीजर करना है हमेशा। तो पहले क्या करना है, हमने 2:3:5 को हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया, ऐड करने पे हमारे पास आंसर आया 10, कितना आया 10। अब 2/10 3/10 और 5/10 ये हमारे पास रेशो के पार्ट हो गए। ठीक है, अब करना क्या 2/10 इंटू में 100 3/10 इंटू में 100 5/10 इंटू में 100, जब इसको सॉल्व करें 20%, जब इसको सॉल्व करें 30%, जब इसको सॉल्व करें हमारे 50%। ठीक है, तो इनको हमने लिख दिया रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1:4, तो 1+4 कितना आ गया हमारे पास 5, कितना आ गया 5, तो फ्रैक्शन पार्ट हमारे पास क्या हो गया 1/5 और 4/5। 1/5 को 100 करेंगे 20 आ जाएगा, इसको करेंगे हमारे पास 80 आ जाएगा, और देखो जोड़ोगे तो हमेशा 100 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अगर आपका 100 नहीं आ रहा है या 100 से कम आ रहा है या 100 से ज़्यादा आ रहा है तो इट मीन्स आपने कुछ गलती करी, तो आप उसको दोबारा से चेक कर लें। ठीक है, यहाँ से मेरा रेशो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1:3:5 इन तीनों को जोड़ा, हमारा आंसर आया 8।
तो देखो पार्ट्स फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब भिन्न के प्रकार हमारे पास क्या होंगे, 1/8, 2/8, 5/8। तो इनका एल वो निकालें परसेंटेज, 1/8 100, 2/8 100, 5/8 100। तो इसका हम सॉल्व करेंगे 8 को 100 से 12.5, इसको सॉल्व करेंगे हमारे अगर 25, इसको सॉल्व करेंगे 62.5। ठीक है, तो यहाँ हमें सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश है। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रहेगी। मतलब बोल रहे हैं एक सिटी थी हमारे पास, नगर था, पॉपुलेशन थी सिटी, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो 25,000 थी, लेकिन वो कितनी हो गई, 24,500 हो गई। कितनी हो गई, 24,500। तो हमें पहले बोल दिया कि घटने का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो ऑब्वियसली घट रहा है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी, 2500 थी। कितनी थी, 2500, कम हुई 24,500। तो घट जो जनसंख्या घटी है वो कितनी है, 500 घटी है। ठीक है, आप देखो इसमें लॉस परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, तो लॉस के लिए क्या था, जितना लॉस है उतना ऊपर रखना है। तो पॉपुलेशन कितनी रखी हमने ऊपर, 500। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन मतलब जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी 25,000 इंटू में 100, जैसे लॉस परसेंटेज का करा वैसे ही करना है। तो 2000 25 को हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2%। तो हमारे पास जो घटने की पॉपुलेशन है वो कितनी आई है, 2%। मतलब स्टार्टिंग में हमें रखना वही नीचे जो हमें स्टार्टिंग में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले अरुण ने एक कार 3,50,000 से खरीदी। मतलब अरुण ने एक कार खरीदी बॉट करी कितने की, 3,50,000 में, और अगले ही वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया। मतलब 3,50,000 की खरीदी और नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, उसका जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया, 3,70,000 हो गया। तो बोल रहे कार का मूल्य का प्रतिशत वृद्धि, अब बोल रहे हैं वृद्धि कितनी हुई है वो तो पता चल जाएगा हमें, लेकिन उसका परसेंटेज भी निकालना है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सिंपल सी बात है। अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट टू अप, मतलब बढ़ गया कितना, 3,70,000, बट द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, मतलब हमें जितना प्राइस बढ़ा है उसका परसेंटेज निकालना है कितना है। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार कितना हुआ, इंक्रीज 3,50,000 से लेके 3,70,000 हो गया प्राइस इंक्रीज। तो चेंज कितना आया अमाउंट में, 20,000 का चेंज आया। ठीक है, हम दोनों को माइनस कर लिया हमने, तो परसेंटेज निकालिए प्रॉफिट। तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, 20,000 का, और ओरिजिनल प्राइस क्या था, 3,50,000, और इंटू में 100। जब इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 5.57%। ठीक है, तो आपको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास 20,000 है अपॉन में कितना है, 3,50,000 इंटू में 100। ठीक है, सॉल्व करोगे 35 को डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पे कितना धन प्राप्त होगा। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 का और मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ 20% का। अब ये नहीं बोल रहे कितने रुपए का हुआ, ये बोल रहे हैं परसेंटेज पे हुआ, तो मुझे कितना धन प्राप्त होगा इतना। ठीक है, मतलब खरीदा मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब बाय अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट द प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट टू फोर्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले द कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, 10,000, प्रॉफिट हुआ हमें 20 का। ठीक है, आप उसमें CP वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने पहले करा था। ठीक है, तो लेकिन देख लेते हैं सिंपल तरीके से भी हो गया होगा तो। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाया आपका, क्या था हमारे पास, SP निकालने का फॉर्मूला था, SP निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस करके, तो चलो इसमें मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप वो वाला भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी देख लो। इसमें हमारे पास 10,000 का हमने टीवी खरीदा, उस पर 20% का लाभ हुआ। पहले हम प्रॉफिट देख लेते कितने का हुआ, 20 करा कितने का आया, 2,000 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा कि 10,000 तो था, 2,000 हमें और एक्स्ट्रा मिले, तो कितना हो गया, 12,000। ठीक है, तो आप इसको वो वाला फॉर्मूला लगा के सिंपल तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा होगा, CP दे रखा है और SP निकालना है तो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, मतलब उसने बेची कितनी, 13,500 में बेची और 20% की हानि हुई। अब क्या हुआ, लॉस हुआ उसे, मतलब हमें नहीं पता उसने कितने में खरीदी थी, लेकिन उसने जब बेचा तो 13,500 में बिकी, और जब उसका हमने लॉस परसेंटेज निकाला वो 20% निकाला। ठीक है, लिखा जूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 से लॉस 20% इन द बार्गेन। ठीक है, मतलब खरीदारी में उसको इतना लॉस हुआ, व्हाट वाज द प्राइस विच इन द ब्रॉड, उसने कितने में वो चीज़ खरीदी थी। ठीक है, मतलब हमें निकालना है CP। अब देखो यहाँ पे CP आप वैसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला याद रख लो आप,
ताकि आपको इजी रहे। सीपी का फॉर्मूला था हमारे पास 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस, और इनटू में सीपी एसपी सॉरी, क्योंकि एसपी हमें गिवन है, एसपी क्या हमें गिवन है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है 13,500, ठीक है, और लॉस कितना है 20। तो हमने क्या करा 100 माइनस 20 इनटू में 13,500, तो नीचे आया 80। जब हमने इसको काटा 100 ऊपर मल्टीप्लाई करा 1,35,000 आ गया, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 8। जब हमने इसको इसे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 16,875, मतलब उसने कितने में ख़रीदा था, वो 16,875 में ख़रीदा था, लेकिन 13,500 उसने बेच दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, ये रेशियो दे रखा है, इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ रेशियो 10:3:1:12, विच द परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का देख रहे हैं, तो कार्बन हमारे पहला हमारे पास कैल्शियम है, दूसरा कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसमें आपको तीनों का ही पूछ सकते थे, ठीक है, अलग अलग, लेकिन हमें सिर्फ इसमें कार्बन का पूछा है। तो पहले हम इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट आया 25, कितना आया 25। अब पार्ट ऑफ कार्बन कितना है 3/25 होगा, क्योंकि 3 कार्बन दे रखा है। अब 3/25 इंटू में 100, तो कितना है 12, तो कार्बन का परसेंटेज क्या है हमारे पास 12, ठीक है। अब क्वेश्चन है सेकेंड, इसी का ही पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, लिखा चौक की छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम, मतलब एक चौक की छड़ी थी उसमें हमारे पास जो कार्बन की मात्रा है वो 3 ग्राम है, उसका कुल भार कितना होगा, मतलब टोटल वेट पूछ रहे हैं कितना होगा किसका, कार्बन का। तो इन अ स्टिक ऑफ द चाक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ, देखो टोटल क्वांटिटी इन कार्बन कितनी है हमारे पास 3 ग्राम, ठीक है, कितनी है 3 ग्राम, और छड़ी में कार्बन की मात्रा देखते हैं कितनी, हम मान लेते हैं कि x है, कितनी है x। अब जब मैं x का 12% निकालूं, क्योंकि अभी हमने कार्बन निकाला ना कि 12% है, तो x का मैं 12% निकालूंगी तो आंसर 3 आना चाहिए था, क्योंकि 3 ग्राम है टोटल, है ना। तो हमने मान लिया कि x है, हमें नहीं पता था कितना है, हमने मान लिया कि वो x है। अब x a b c कुछ भी हो सकता है, तो ये देखो मल्टीप्लाई करके डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, तो हमने करा तो कितना आया हमारे पास 25 ग्राम, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास 25 ग्राम। लिखा अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर उसे 15% हानि पे बेचती है, मतलब अमीना एक लड़की है, उसने एक पुस्तक खरीदी, मतलब बुक खरीदी 275 रुपये में, और 15% हानि पे उसको बेच दिया। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस, वी से याद रखना था विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या, हमें निकालना है एसपी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है हमें एसपी। तो देखो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 275, कितना है हमारे पास 275, हमें लॉस कितना हुआ 15% का, ठीक है। तो हमें एसपी निकालने का फॉर्मूला 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इनटू में सीपी और अपॉन में 100, तो 100 माइनस 15 कितना आ गया हमारे पास 85, नीचे 100 आएगा इनटू में 275 आएगा। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 85 और 275 को, तो हमारा आया 23375 अपॉन में 100, 100 से हमने 2 पॉइंट लगा दिए, तो कितना आया 23375, ये हमारा आया एसपी, कितना आया हमारे पास एसपी, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो अमाउंट वाले हमने अभी क्वेश्चन करे थे उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है, लिखा प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन होगा, मतलब हमें 2 क्वेश्चन है इसमें, तो टाइम दे दिया हमें 3 साल, कितने दे दिए 3 साल, ठीक है। पहले फाइंड द अमाउंट टू बी पेड इन द एंड ऑफ द 3 ईयर ऑफ केस, हमें बोला जो मूलधन है जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1200 है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उन्होंने वो कितना लगाया हमें, मतलब किस दर से हमें मिलेगा वो 12% लगाया उन्होंने, ठीक है, प्रिंसिपल वो बता दिया मैंने आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है पी आर और टी, और क्वेश्चन में हमें देखो अमाउंट पूछ रहे हैं, अमाउंट का मतलब क्या था पी प्लस में आई, तो इसमें हमें पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी भी हमें ऊपर दे दिया 3 साल, हमें क्या निकालना है आई निकालना है, क्या निकालना है आई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, तो पी कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 साल, ठीक है। तो तीनों चीज़ हमें गिवन है, तो देख लेते हैं हमारे पास फॉर्मूला, आई निकाले मतलब सिंपल इंटरेस्ट पी आर और टी, पी लिख दिया आर लिख दिया टी लिख दिया, 2 से 2 चला गया हमारे पास आया 432, तो मतलब हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा 1200 रुपये, 432। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पी प्लस में आई, तो मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को प्लस करेंगे हमारा आएगा 1632, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट है, बोल रहे मूलधन 7500 है, मतलब पी हमें दे रखा है 7500,
और प्रिंसिपल हमें दे रखा है 7500 और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5। ठीक है, कितना दे रखा है 5। तो आई निकालने का पी इंटू आर इंटू टी इंटू में लगा लेना और अपॉन में 100। ठीक है, तो पी हमें दे दिया, आर दे दिया, टाइम दे दिया 3 साल। आई निकाल लेते हैं 7500 5 इंटू 10 और अपॉन में 100, तो ये आंसर आया 1125। कितना है 1125। तो अमाउंट कितना आएगा हमारा मूलधन और साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना था 7500 और 1125 को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 8625। ठीक है, आई निकालना सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56000 रुपये पे 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 ब्याज देना होगा। अब जो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, आपने बोला व्हाट गिवन रेशियो, मतलब हमें क्या निकालना है, व्हाट रेट मतलब आर निकालना है, हमें क्या निकालना है आर, कि 280 हमें ब्याज पड़ रहा है, आई दे रखा है हमें 280, इंटरेस्ट सम ऑफ दिस प्रिंसिपल हमें ये दे रखा है और टाइम हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो आर निकालना है। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल हमें दे दिया 56000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, आई दे दी हमें 280, मतलब क्वेश्चन में से हमें ढूंढ लेना है कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, और टाइम दे दिया 2 साल। तो देखो फॉर्मूला वही लगाते हैं, सेम फॉर्मूला आई पी आर टी अपॉन में 100। तो हमने लिखा यहाँ पे 280 56000 आर और टी, 200 कट गए, जो मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, तो इसको जो हमने काटा देखो 0 से 0 कट गया है ना, और हमने 28 से काटा, 28 का मठा 28 दूनी 56, तो 1/4 जो हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 0.25। तो हमें किस रेट से देना पड़ेगा, 0.2 रेट के 25 रेट के हिसाब से रेट ऑफ दर पड़ेगी। ठीक है, अब लिखा मीना ने 9% वार्षिक दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 9 दे दिया, टाइम हमें 1 साल दे दिया, 4500 रुपये ब्याज दे दिया, तो कितना उधार दा? मतलब हमें पी निकालना है, क्या निकालना है इसमें पी। क्वेश्चन द्वारा पढ़ लो, इफ मीना गिव एज द इंटरेस्ट ऑफ 45, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे दिया 45 है, टाइम दे दिया हमें 1 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 9% तो हमें बताना है मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो साधारण इंटरेस्ट हमें 45 है, सॉरी ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है, टाइम हमारे पास 1 साल है, तो प्रिंसिपल निकालना है आई पी आर ओ टी अपॉन में 100, तो पी इंटू 9 इंटू 1 और अब हमें कितना दे रखा है 45, जो मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड जो मल्टीप्लाई 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को नीचे डिवाइड कर दिया, 9 × 5 = 45, तो हमने कितना उधार लिया था पी, कितना लिया था उधार हमने पी। ठीक है, तो मूलधन या प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 500। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप कोई भी वीडियो स्किप ना कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।